स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डील द स्टोरी ऑफ चैप्टर ऑफ द बुक फ्लैमिंगो डीप वाटर। द स्टोरी डीप वाटर इज बेसिकली अ नरेटिव स्टोरी रिटन बाय विलियम डगलस। वी विल सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन। Before going to the detailed explanation, let's see the summary of this story. The story Deep Water by William Douglas is a narrative story, and let's see the summary. This story is about the journey of the author, how he overcome the fear of water, which is deeply rooted in his since his childhood. As the first point is saying, it is his own experience of life when he was suffered during his childhood. The author started fearing water at the age of 4. At that time he was only 4 years old when first time he experienced the fear of water, drowning into the water. The fear starts when he visited California with his father. He visits a beach where the wave knocks him down and sweeps over him. At that time he was with his father, and when he was near the beach, the wave one day knocks. Ek din aisa hua ki he was with his father aur wo jab wo kinare mein tha, beach mein tha, to sudden what happened, जबरदस्त वेव आया और उसको झटका दे दिया, गिरा दिया। दिस टेरिफाइड द ऑथर, ऑल्दो हिज फादर लव्ड इट, दिस नोइंग इट वाज नॉट डेंजर। हालांकि वो जो वेव था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी था, बट सिंस द ऑथर वाज ओनली 4 ईयर ओल्ड, छोटा सा बच्चा था, सो ही टेरिफाइज, उसे काफ़ी डर लगा। हालांकि उनके पिताजी समझ गए थे इट इज देयर इज नो डेंजर, डर की बात नहीं है। हाउएवर दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज द ऑथर एंड डेवलप्स अ फियर ऑफ वाटर। धीरे धीरे उसके मन में एक भय सा बैठ गया था इस घटना के कारण। एट द टाइम ही वाज 4 ईयर ओल्ड। आफ्टर दैट when the author is 11 year old, he experiences another incident which escalates his fear. ये तो 4 साल का जब था वो उस समय का एक्सपीरियंस हो गया। लेटर ऑन अब जब वो 11 साल का है, अगेन द सेम टाइप ऑफ फियर ही फेल्ट। क्या हुआ था, ही इज एट द स्विमिंग पूल इन याकिमा, याकिमा इज अ प्लेस जहाँ के स्विमिंग पूल में एट दैट टाइम हुआ था, 11 साल के जब था, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग। एट दैट टाइम ही वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग। ऑन वन फाइट डे बुली डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक। एक बदमाश किस्म का लड़का था वहाँ पे, बदमाश किस्म का लड़का, दैट इज बुली। वो एक प्रैंक करने के लिए उसको क्या करता है, उसके साथ खड़कर ही पुशेस द ऑथर इन द डीप एंड ऑफ द पूल विच फ्राइटन द ऑथर। वह धक्का दे दिया पूल की तरफ, इससे वो ऑथर को क्या हुआ, फ्राइटन, डर गए ऑथर, क्या हुआ, डर गए, फ्राइटन हो गए। द ऑथर रीच 9 feet इनटू द वाटर। नाउ वे गहरे पानी में जा रहे थे and starts struggling desperately to hold on to something। कुछ हाथ को इतना बड़े स्ट्रगल करते हुए कुछ पकड़ के अपना लाइफ बचाया जा सके, इस तरह से वो स्ट्रगल करने लगे। Moreover, he cried for help, but he starts feeling paralyzed and only his heart was moving now। He was crying at that time, but nobody was there to help the author। अब उसे लगा कि his hands and
His legs are now not working. Paralyzed हो गया, ऐसा उसे लगने लगा. अब केवल उसका अगर कुछ काम कर रहा था, that was only hard, जो कि मूव कर रहा था. Thus he gives up all hope and ready to die. अब उसे सारी उम्मीदें जाते देखी, सारे होप्स हो चुका था. अब उसे लगा कि जब वो रेडी टू डाई, अब मरने वाला. सडन अचानक he wakes up, उसे होश आया. एंड एट द साइड ऑफ द पूल, वो अपने आप को पाता है कि वो पूल के साइड में, मतलब ही वॉज सेव्ड बाई समवन, वो उसकी लाइफ बच चुकी थी. ये 11 साल का जब था तब ये घटना घटी. ये घटना कब घटी थी? व्हेन ही वॉज 4 ईयर ओल्ड. नाउ कब राउंडिंग नेवर गोज अवे. ये जो घटनाएं थी उसके अंदर में फ्राइटन है, फियर से जो बैठ गया था, दैट फियर लिव्स फॉर लॉन्ग टाइम, उसके लाइफ में अभी भी था, अभी भी उसे डर लग रहा था. कैसे? इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम फॉर मेनी इयर्स. कई सालों तक उसके दिमाग में डराया करता था, हॉन्टेड एकदम घर कर गया था उसके माइंड. दिस इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड ही ऑलवेज एक्सपेडिशंस कंसर्न टू द बोटिंग स्विमिंग फिशिंग एंड सोम्बो. इसका असर एक बार उसका जो फ्यूचर पे जो भी चीज़ें वो पार्टिसिपेट करना चाहता था या सीखना चाह रहा था या इन्जॉय करना चाह रहा था, लाइक बोटिंग या फिर फिशिंग या स्विमिंग, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ फियर फ्रॉम द वाटर. द ऑथर इवन विजिट मरीन लेक्स कोलम्बिया न्यू हैम्पशायर एंड मोर, बट इज नॉट एबल टू डिवाइड. इन लेटर पार्ट ही विजिटेड सम ऑफ द प्लेसेज इंजॉयड, बट ड्यू टू द फियर फ्रॉम द वाटर ही नेवर इंजॉयड. कभी उसे अच्छा नहीं लगा. Thus he decides to overcome this fear by hook or by crook. किसी भी स्थिति में he wanted to overcome this fear. He enrolls himself, he plan, made a plan, उसने एक plan बनाया. He enrolls himself in a swimming class and tries to learn from the instructor. He himself registered to learn swimming and he joined swimming class. और वहाँ का जो instructor था, सिखाने वाला था, उससे वह swimming सीखने लगा. Point number 21 देखते हैं. The instructor टिप्स हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग. ऑथर को जो प्रशिक्षक है, इंस्ट्रक्टर है, वो कई तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताता है स्विमिंग के. ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग पार्ट, देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मैनी वीक्स. वह इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग पार्ट जो है, मतलब आप सांस कैसे लें और छोड़ें, इसका प्रैक्टिस कई हफ्तों तक करवाते हैं. फर्दर ही मूव्स ऑन टू किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ पूल. बाद में साइड ऑफ पूल वो किकिंग द लेग्स इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, हाँ कैसे हम लेग्स को आगे पीछे चलाएं. फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग. ऑल्दो द ऑथर नोज how to swim, he is still terrified of water. Finally, he combines all this with the final move of swimming. अंत में वह पूरा प्रैक्टिस लगाता है. Although the author knows how to swim, हालांकि वो जान रहा था अभी भी, लेकिन वो terrified था, भीगी बिल्ली बना हुआ था, डर लग रहा था. Thus, in order to give up the fear, फियर को give up करने के लिहाज से, he decides to confront it. He mocks it by thinking, what can it really do? अब इस पर सोचने लगा क्या आगे किया जाए. कॉन्सिक्वेंटली ही डाइव्स इन टू द वाटर एंड टू ही सरप्राइज हिज फियर गोज अवे. फाइनली वो डिसाइड किया कि वह एक बार फिर से पानी के अंदर डुबकी लगाएगा और अपने आप को पाया कि अब वह भयमुक्त है. ही फेस्ड इट इन मैनी प्लेसेज एंड एट लास्ट मैनेज टू कॉन्क्वर इट.
अंत में वह कॉन्क्वेस्ट जीतना, अंत में वह इस लेवल पे आ गया कि वह मैनेज कर लिया कि वह अब भय मुक्त है, डर से जीत चुका है। टू सम अप द वॉटर समराइजेस वी लर्न दैट वी आर डिटरमाइंड इनफ एंड हैव टू करेज वी कैन ओवरकम एनी फियर दैट कम्स अवर वे विदाउट लेटिंग द फियर ओवर पावर अस। इस कंक्लूजन में ये कह सकते हैं डीप वाटर से हम यह सीखते हैं कि अगर डिटरमाइन करें, हम अपने आप में दृढ़ निश्चय कर लें और हिम्मत ना हारें, तो जो भय हमारे ओवर पावर कर रहा है, हमारे ऊपर जो भय व्याप्त है, उससे हम मुक्त पा सकते हैं। इस तरह से इसकी कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल है और आपको निश्चित तौर पर समझ में आई होगी। अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें CBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड सभी के कोर्स मिलते हैं, करियर संबंधी मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।